मैं अमृता स्वागत करती हूं आप सभी का टेक नीति के तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा हब बन गया है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बड़ी तेजी से आदान प्रदान हो रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा इंस्टाग्राम का उपयोग बाल यौन शोषण सामग्री को बेचने और उससे कमीशन कमाने के लिए किया जा रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसी सामग्री तक पहुंचाने के लिए और लुभाने के लिए इंस्टाग्राम एल्गोरिदम और हैशटैग्स का उपयोग करते हैं। वे इन वितरकों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की लिंक भी पोस्ट करते हैं। बाल यौन शोषण सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन कई प्लेटफॉर्म्स और फेडरल लॉ की शर्तों का उल्लंघन करता है। इंस्टाग्राम में लगभग 500 से 1000 अकाउंट्स हैं जिनका उपयोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बायर्स और सेलर्स को जोड़ने के लिए किया गया है। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम स्वयं से उत्पन्न बाल यौन शोषण सामग्री के एडवर्टाइजिंग को प्रभावशाली बनाने में भूमिका निभाते हैं। काफ़ी सारे रिसर्च इस बात पर अधिक इंसाइट्स प्रदान करते हैं कि कैसे इंटरनेट कंपनियों ने शुरुआत से ही सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस को खोजने और रोकने के लिए वर्षों से कोशिश किया है। विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे इंटिमेट इमेजेस का दुरुपयोग या रिवेंज पोर्न COVID-19 के दौरान तेजी से बढ़ा और तकनीकी कंपनियों, पोर्न साइट्स और सिविल सोसाइटी को अपने मॉडरेशन टूल को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित भी किया। ये तो हो गई बड़े प्लेटफॉर्म्स और बड़े नेटवर्क्स की बात। अगर हम बेसिक यूजर्स की बात करें तो कई बार माँ बाप ही अपने बच्चों की बचपन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसे टेक्निकल टर्म्स में शेयरिंग कहा जाता है, बिना ये जाने कि उनका भी दुरुपयोग हो सकता है। इस कारण से हमें बड़ी सतर्कता से सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट शेयर करना चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। डिजिटल दुनिया के तमाम खबरों से रूबरू होते रहने के लिए सुनते रहिए टेक नीति।